हेलो एवरीवन, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इसोफेगस की। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टमक से। तो स्टमक की क्लास में सबसे पहले आपको समझना चाहिए स्टमक का रोल क्या है और स्टमक क्या काम आता है बॉडी में, इसका लोकेशन क्या होता है। देखिए, स्टमक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक का मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो शेप है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन, यानी इसका एक्सटेंशन इस तरीके से होगा, ये इसका एक्सटेंशन होता है इस तरीके से, यानी इसीलिए हम इसको कहते हैं ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है। एक्चुअली स्टमक क्या है? स्टमक एक एक्सटेंशन है इसोफेगस का ही। पूरा जीआईटी हम लोगों ने देखा, जीआईटी हम लोग जानते हैं। जीआईटी क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, पूरा ट्रैक है जो हेड एंड नेक के पोर्शन से लेकर के पूरी थोरेसिक कैविटी को क्रॉस करता है और पूरी एब्डोमिनल कैविटी को क्रॉस करता है इवन। तो इसका जो एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन में ही ये जीआईटी जो है वो अलग अलग शेप एंड साइज में इसके वेरिएशन आता रहता है, और उन्हीं वेरिएशन से अलग अलग जीआईटी के ऑर्गन्स फॉर्मेशन होते हैं। जो स्टमक है वो आप ये समझ सकते हैं कि मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द जीआईटी। स्टमक क्या है? मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द जीआईटी। अगर ये मोस्ट डायलेटेड है तो मोस्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट कौन सा होगा? आप सोचिए। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मोस्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट और सेकेंड मोस्ट इसोफेगस। इसी तरीके से मोस्ट डायलेटेड जो पार्ट है वो पार्ट होगा स्टमक। आपको एक बार थोड़ा सा स्टमक को मैं बता दूं, हमने इसोफेगस स्टडी किया था और इसोफेगस में हमने कहा था इसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करती है, और डायफ्राम को क्रॉस करने के बाद में ये एक्सटेंड हो जाती है इस तरीके से, और ये जो एक्सटेंशन है दोनों वॉल का, ये एक्सटेंशन क्या कहलाता है? ये एक्सटेंशन कहलाता है स्टमक। ये एक्सटेंशन कहलाएगा स्टमक, और ये इस तरीके का इसका एक्सटेंशन होता है। तो ये एक्चुअली एक तरीके से स्टमक हो गया। यहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टमक हो गया। यहाँ पे इसका स्टमक का जो एक्सटेंशन है, अगर हम एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन हमें मिलेगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसके बाद में एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम और उसके बाद में अम्बिलिकल। यानी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, गैस्ट्रियम और अम्बिलिकल रीजन में इसका मेनली एक्सटेंशन होता है। ये जब हम एब्डोमेन के 9 रीजन्स आपको याद होंगे, नहीं तो हम जिस क्लास में अपन करवाएंगे तो हम इन रीजन्स को थोड़ा सा प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो दो तीन चीजें जो मेनली हमें याद होनी चाहिए इसके जनरल फीचर्स। नंबर एक, ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है। नंबर टू, सैक लाइक ऑर्गन होता है। नंबर तीन, इसका जो एक्सटेंशन है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, एपिगेस्ट्रियम में और अम्बिलिकल रीजन में होता है। इसके अलावा इसका मेन रोल क्या रहता है स्टमक का? सबसे पहली चीज, हम जो फूड का इंटेक करते हैं जो ऑरल कैविटी से आता है, बॉलस की फॉर्म में आता है, और ये फूड यहां पर आकर के रुकता है लगभग 3 to 5 आवर्स। ये क्या रुकेगा यहाँ? 3 to 5 आवर्स यहाँ वो स्टे करेगा। ये 3 to 5 आवर्स स्टे करेगा, इसका मतलब ये हमारे लिए फूड रिजर्वेयर के तौर पे हम इसको हमारे काम आया। तो ये क्या हुआ? नंबर वन, फूड रिजर्वेयर हुआ। इसके अलावा ये क्या काम करेगा? नंबर टू, यहाँ पे इस पूरे फूड की जो मटेरियल, जो कंटेंट यहाँ पे है, जो बॉलस यहाँ पे है, उनकी मिक्सिंग होगी यहाँ। दूसरा काम क्या करेगा? मिक्सिंग। और मिक्सिंग नॉर्मली किससे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होती है। इवन इस मूवमेंट को आप जब पूरा जीआईटी स्टडी करेंगे उसमें ही आपको मिलेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहां तक कि ईसोफेगस से जो फूड पास होता है और स्टमक में आता है वो भी इसी मूवमेंट की वजह से आता है, ना कि ग्रेविटी की वजह से। तो आप अगर सिर के बल खड़े होकर के भी कुछ खाने की कोशिश करेंगे तो वो फूड स्टमक में ही आएगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंडर में काम नहीं करता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की और उसके कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू आगे पास होता है। तो दूसरा काम क्या हो गया इसका? मिक्सिंग का। और तीसरा मेन जो इसका काम है वो हो गया गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीशन ऑफ
गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूस यानी बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो ये इसकी वॉल से सिक्रीट होते हैं, और सिक्रीट होने के बाद में वो सिक्रीशन जो है वो फूड के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेनली जो इसके काम हो गए वो तीन तरीके के काम हो गए स्टमक के। नंबर वन, ये फूड रिजर्वेयर का काम करता है। नंबर टू, ये मिक्सिंग का काम करता है। और नंबर थ्री, ये गैस्ट्रिक जूस को प्रोडक्शन करता है, वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है जो हमारे लिए डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये मेन चीजें हैं इसकी जो हमें ध्यान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। ये जो स्टमक है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? देखिए, इसकी कैपेसिटी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन एक नॉर्मल अडल्ट में माना जाता है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 to 1.5 लीटर। एक अडल्ट में जो इसकी कैपेसिटी होती है वो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक की कैपेसिटी इसके अंदर कंटेंट की मिलती है। लेकिन ये हमने बताया पर्सन टू पर्सन, और मेल टू फीमेल भी ये वेरी करती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 30 ml/kg बॉडी वेट। थर्टी एम एल पर के जी बॉडी वेट, यानी सपोज करें अगर 10 kg का कोई चाइल्ड है तो उसकी जो कैपेसिटी स्टमक की रहेगी वो लगभग 300 ml रहेगी नॉर्मली। 5 kg का चाइल्ड है तो 150 ml उसके स्टमक की कैपेसिटी रहेगी नॉर्मली। इसीलिए जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनका कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पाता है स्टमक के अंदर, उनको हमें थोड़े थोड़े ड्यूरेशन पे फीडिंग कराना पड़ता है, क्योंकि उनका स्टमक वापस खाली हो जाता है और इतना ज्यादा रिजर्वेयर रह नहीं पाता स्टमक के अंदर। तो अडल्ट में 1 to 1.5 लीटर, और चिल्ड्रन में 30 ml/kg बॉडी वेट के हिसाब का इसका कैपेसिटी होता है। तो अब आप एक बार उन चीजों को वापस थोड़ा सा रिवाइज करें, इसके जो जनरल फीचर हैं, ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। नंबर वन, हमने कहा इसका जो लोकेशन है वो लोकेशन होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रियम और अम्बिलिकल रीजन में। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, सैक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो नॉर्मल जो इसका कैपेसिटी है वो कैपेसिटी इसका रहता है 1 to 1.5 लीटर अडल्ट में, और 30 ml/kg बॉडी वेट जो है उसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन में रहता है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसोफेगस से ही, कि इसोफेगस जो है वो एंटर करती है एब्डोमिनल रीजन में डायफ्राम को पियर्स करके। तो डायफ्राम में जो पॉइंट है, जो ओपनिंग है जिसके थ्रू इसोफेगस एब्डोमिनल कैविटी में आती है, उसको हम नाम देते हैं डायफ्राग्मेटिक हियाटस, डायफ्राग्मेटिक हियाटस। और ये हियाटस है जिसके थ्रू ये एब्डोमिनल कैविटी में अंदर की तरफ आएगी, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगी। तो ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया है? डायफ्राग्मेटिक हियाटस। और ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग लिगामेंट्स के थ्रू यहां से टाइटली इसको एडहेयर होती है, ये यहां से जुड़ी रहती है ताकि इसमें ये मूवमेंट नहीं ले पाए साइड टू साइड। लेकिन एज के साथ ये थोड़े से लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, और लूज होने की वजह से ये फ्रीली मूव करने लग जाती है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, बट अगर किसी कारण से यहाँ पे लूज होने की वजह से अगर स्टमक का या एब्डोमिनल इसोफेगस का पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाए और डायफ्राम को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाए, तो इसको जो टर्म हम यूज करते हैं वो करते हैं हियाटस हर्निया। इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे हियाटस हर्निया। हियाटस हर्निया का सिंपली मतलब क्या हुआ कि जो एब्डोमिनल रीजन का पोर्शन था वो इस ओपनिंग के थ्रू थोरेसिक रीजन में आ गया, या थोरेसिक रीजन में वो असेंड कर गया, तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी? हियाटस हर्निया। ये एक सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज आप इसमें से ये समझें कि यहां पर ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग में ये एक शार्प कर्व आता है, यानी इसका जो लेफ्ट साइड का जो इसोफेगस का वॉल है ये बिल्कुल एक शार्प कर्व लेगा ऊपर की तरफ। ये जो कर्व है यहां पर ये बनाएगा
कार्डियक नोच, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक नोच। ये जो कार्डियक नोच है इसको कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट के पास में होती है, इसलिए इसको कार्डियक नोच बोला जाता है, हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये कार्डियक नोच हो गई, और इस कार्डियक नोच के पास ही ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है जिस ओपनिंग से इसोफेगस ओपन होती है स्टमक के अंदर, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रो गैस्ट्रो इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग। ये ओपनिंग कहलाएगी गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग, या इसको कार्डियक ऑरिफिस भी बोला जाता है। इसको हम कार्डियक, कई बुक में आपको ये ओपनिंग का ये नाम नहीं मिलेगा, कार्डियक ऑरिफिस मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो, ये कार्डियक ऑरिफिस भी कहलाता है, या इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग भी हम बोल देंगे। अब ये ओपनिंग जो है वो कंट्रोल्ड किसके थ्रू रहती है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लें। ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग कंट्रोल रहेगी, यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहेगा, ये स्फिंक्टर जो है वो इस ओपनिंग को कंट्रोल करेगा। इस स्फिंक्टर को हमने क्या नाम दिया है, ये स्फिंक्टर कहलाता है कार्डियक स्फिंक्टर, इसको बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, ये कार्डियक स्फिंक्टर स्टमक का पार्ट नहीं है, मोस्टली बुक्स में आपको यही मिलेगा कि इसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो इसोफेगस का पार्ट है। आपको ध्यान होगा जब हमने इसोफेगस स्टडी किया था तो हमने कहा था इसोफेगस में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो यही सिचुएशन, यही सेम स्फिंक्टर जो है वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं स्टमक की तो आपको कार्डियक स्फिंक्टर आता है, समझने, तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे दो स्फिंक्टर हैं, ऐसा नहीं होता, ये नीचे सिर्फ एक स्फिंक्टर है जिसको अगर इसोफेगस की आप स्टडी कर रहे हैं तो इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोल देते हैं, और जब आप स्टमक की स्टडी कर रहे हैं तो इसी को कार्डियक स्फिंक्टर भी आप बोल देते हैं। एनीवे ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर की जो सिचुएशन है आप उसको समझिएगा, ये स्फिंक्टर पड़ता है, अगर आपको हमने राइल्स ट्यूब डालने का तरीका बताया था, हमने आपको कहा था आप राइल्स ट्यूब कैसे अंदर डालेंगे या कोई भी प्रोब आप अंदर डाल रहे हैं, लगभग हमने आपको बताया था 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर टीथ, कितना बताया था आपको, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसाइजर टीथ। और अगर आप इंसाइजर टीथ के थ्रू नहीं जाना चाहते और आपको इस लेवल पर पहुंचना है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू आप इसमें जाना चाहते हैं, तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू हम कहेंगे आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच डीप जाना पड़ेगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आपको 4 इंच डीप जाना पड़ेगा इस स्फिंक्टर तक पहुंचने के लिए। इसका जो लेवल है वो लेवल हमने बताया था T11, इसका कौन सा कितना लेवल है, थोरेसिक वर्टिब्रा 11 के लोअर बॉर्डर पर ये ओपनिंग अवेलेबल रहती है, राइट। लेकिन अगर आप एंटीरियरली जाना चाहें तो ये लेवल बनेगा 7th कॉस्टल कार्टिलेज, इसको हम कहेंगे 7th कॉस्टल कार्टिलेज। तो 7th कॉस्टल कार्टिलेज के ये लेवल पे होता है। दूसरी चीज, ये मिड लाइन से, हमने आपको बताया था पूरा जो इसोफेगस है वो मिड लाइन में ट्रेवल करता है, कुछ एक जगह पे ये डेविएट होता है, तो ये जब नीचे के पोर्शन पे आता है तब ये डेविएट होता है लेफ्ट साइड के अंदर, और लेफ्ट साइड में ये मिड लाइन से कितना दूर होगा, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर किस साइड, लेफ्ट। तो इसका जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम इस पॉइंट का लेना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ये 7th कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे होता है, T11 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे होता है, मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट की साइड होता है, तो ये इसका एग्जैक्ट हमारा लोकेशन आ गया। इसी तरीके से जब हम यहां पे आते हैं और इस लेवल पे, इस लास्ट जो स्टमक का जो लास्ट ओपनिंग है जहां ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, अगर इस लेवल की बात करें तो ये लेवल होता है L1 वर्टिब्रा के लेवल पे। L
वन यानी लंबर वर्टिब्रा वन का लोअर बॉर्डर। और लंबर वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर जब आपने एब्डोमेन के 9 रीजन्स अगर स्टडी किए हैं तो आपने एक प्लेन के बारे में पढ़ा होगा, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का भी यही लेवल रहता है L1। तो L1 लंबर वन वर्टिब्रा फर्स्ट के लोअर बॉर्डर के लेवल पे आपको ये स्फिंक्टर मिलेगा। ये स्फिंक्टर कौन सा स्फिंक्टर होगा? इसको हमने कहा कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, यानी जो ये स्फिंक्टर है इसी तरीके का एक स्फिंक्टर, इसकी ओपनिंग एक ये ओपनिंग है, इसकी एक इसकी ये ओपनिंग है। तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये लंबर वर्टिब्रा वन के लेवल पे मिलेगा, ये जो सॉरी कार्डियक स्फिंक्टर है ये थोरेसिक वर्टिब्रा 11 के लेवल पे मिलेगा, और ये जो सॉरी ये हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, ये हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर हो गया T11 वर्टिब्रा के लेवल पे, और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया लंबर वर्टिब्रा वन के लेवल पर, राइट। अब लंबर वर्टिब्रा वन का लेवल कौन सा आपको बताया था मैंने, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का लेवल है। लेकिन ये जो लेवल मैंने आपको बताया है ये मोस्टली इसी जगह रहेगा, लेकिन इसका जो लोकेशन है वो चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है स्टमक का सिचुएशन क्या है, स्टमक का पोजिशन क्या है, और इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपका पोस्चर क्या है। लेकिन ये जो आपको बताया ये ऑलमोस्ट नॉर्मली जो एम्प्टी स्टमक होता है उसका लेवल है। अगर यही स्टमक स्ट्रेस्ड होगा या फुल होगा तो इसका लेवल L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, ये इसमें वेरिएशन आता रहता है। तो चलिए हम इस लेवल पे बाद में आएंगे, पहले हम इसी की बात करें कि यहाँ पे हमें जो स्फिंक्टर मिला वो मिला कार्डियक स्फिंक्टर, और कार्डियक स्फिंक्टर का जो लेवल है वो हमने बताया है T11 वर्टिब्रा के लोअर लेवल पे हमें मिलता है और लोअर बॉर्डर पे हमें मिलता है। और दूसरी चीज जो हमने इसमें से समझी थी वो ये समझी थी कि ये 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट की साइड में होता है, 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम द मिड लाइन, राइट। ये चीजें हमने अभी इस लेवल पे समझी हैं। तो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है, अब हम आगे की साइड चलते हैं। ये आपका ये हो गया, तो ये हो गए कार्डियक नोच, राइट। यहां पे हमें मिल गया कार्डियक स्फिंक्टर, ये जो ओपनिंग है इसको हमने कहा कार्डियक ऑरिफिस। दूसरी चीज हमने ये बताई थी आपको कि इसके लेवल पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी, और इससे ऊपर का जो पोर्शन है वो कहलाता है फंडस, और ये कहलाता है रिमेनिंग जो पार्ट है ये कहलाता है आपका बॉडी। अब क्या होता है, अब यहां पे जब आप आएंगे तो ये जो इसकी राइट साइड की जो वॉल है वो फेसिंग करेगी टुवार्ड्स द राइट, ये राइट की तरफ ऐसे फेसिंग करेगी, लेकिन आगे जाकर के ये अपवार्ड फेस करने लग जाती है, यानी ऊपर की तरफ फेस करने लग जाती है। यहां पे जो ये टर्न लेती है यहां पे एक नोच और होती है, और इस नोच को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक नोच, पाइलोरिक नोच। और इसी लेवल पे एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको बोलेंगे इनसीसूरा एंगुलरिस, इनसीसूरा एंगुलरिस। ये क्या हो गई, इनसीसूरा एंगुलरिस। इनसीसूरा एंगुलरिस से आगे का जो पोर्शन है यानी ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाएगा पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम। और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कहलाएगा पाइलोरिक कैनाल, यानी पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक यहां पे बल्जिंग होती है, और ये जो बल्जिंग होती है ये एक तरीके का सल्कस हो गया, इस सल्कस को नाम देंगे हम सल्कस इंटरमीडियस, इस सल्कस को हम क्या बोलेंगे, सल्कस, सल्कस इंटरमीडियस। तो इनसीसूरा एंगुलरिस, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल,
पाइलोरिक एंट्रम को पाइलोरिक कैनाल से सेपरेट करता है सल्कस इंटरमीडियस, और पाइलोरिक एंट्रम को बॉडी से सेपरेट करता है इनसिसुरा एंगुलरिस। यहां जो ओपनिंग है इसको हमने कहा कार्डिक और पाइलोरिक ऑरिफिस, पाइलोरिक ऑरिफिस। और यहां जो स्फिंक्टर है उसको हमने कहा पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां जो स्फिंक्टर है वो क्या कहलाएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये जो एरिया है इस एरिया को हम नाम देंगे पाइलोरस, इस एरिया को हम कहेंगे पाइलोरस। देखिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बार आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं बड़े अच्छे तरीके से ताकि आप इस चीज को समझ लें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी जगह आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि यहां जो ये कर्व आता है इसका, इस कर्व जहां कर्व है, कर्व का मतलब जहां एक तरफ ये राइट साइड फेसिंग है, इधर ये अपवर्ड फेसिंग है, तो राइट साइड और अपवर्ड फेसिंग का जहां जॉइंट आएगा वहां से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम बोलेंगे इनसीसुरा एंगुलरिस, इनसीसुरा एंगुलरिस। राइट, अब इनसीसुरा एंगुलरिस से आगे का पोर्शन है वो पोर्शन कहलाएगा पाइलोरिक एंट्रम, ये पोर्शन कहलाएगा पाइलोरिक एंट्रम। कहां तक का पोर्शन? जहां तक आगे एक बल्जिंग नहीं आएगी, और ये जो बल्जिंग से आगे का पोर्शन है ये पोर्शन कहलाएगा पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल। राइट, ये जो बल्जिंग है बीच की ये बल्जिंग कहलाएगी इंटरमीडिएट सल्कस, सल्कस इंटरमीडिएट आप कह दें या इंटरमीडिएट सल्कस कह दें, एक ही बात है, ये कहलाएगी सल्कस इंटरमीडिएट। राइट, अब यहां की जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जहां से ये ड्यूडेनम में ओपन होता है, ये ओपनिंग आपकी जो है वो कहलाएगी पाइलोरिक ऑरिफिस, पाइलोरिक ऑरिफिस। राइट, ये जो एरिया है ये एरिया कहलाएगा पाइलोरस, ये एरिया क्या कहलाएगा? पाइलोरस। और यहां जो स्फिंक्टर है अंदर के साइड जो मैनेज करेगा, जो कंट्रोल करेगा यहां के फ्लूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, वो स्फिंक्टर कहलाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो स्फिंक्टर क्या कहलाएगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। राइट, तो इनसीसुरा एंगुलरिस, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, सल्कस इंटरमीडियस, पाइलोरिक ऑरिफिस जो यहां की ओपनिंग है, जो ये एरिया है ये पाइलोरस कहलाएगा, और जो यहां स्फिंक्टर है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाएगा। तो स्टमक के जो मेन पार्ट्स हैं उसको आप एक बार समझ लें, कार्डियक ऑरिफिस, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक नोच, फंडस बॉडी, इनसीसुरा एंगुलरिस, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, सल्कस इंटरमीडियस, पाइलोरिक ऑरिफिस, पाइलोरस और पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम बाकी चीजों को देखते हैं। ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो कृपया उसको आप डाल दें, आपकी सारी क्वेरी हम लोग रिप्लाई करेंगे। अब आप आगे चलिए, हम ये कह रहे थे कि ये इसोफेगस है और ये इसोफेगस का राइट साइड ये कर्व लेके ऊपर की तरफ जाता है और ये एक बड़ा राउंड लेगा कॉन्वेक्स, इसको हम क्या नाम देंगे? ग्रेटर कर्वेचर। ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर। और जो राइट साइड का इसका जो रहता है वो वॉल एक छोटा कर्व बनाएगी, कॉनकेव कर्व बनाएगी, और इसको हम नाम देंगे लेसर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर। तो हमें दो कर्वेचर मिले, एक ग्रेटर कर्वेचर और एक लेसर कर्वेचर। तो ये लेसर कर्वेचर छोटा हो गया, ग्रेटर कर्वेचर ये बड़ा कर्वेचर हो गया। तो दो चीजें हमें मिली, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। अब होता क्या है, ये जो लेसर कर्वेचर है, देखिए पूरी आप जब एब्डोमिनल
ऑर्गन्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हर जगह हमें कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी पेरिटोनियम की मिलती है। ये कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनको आप इंट्रा पेरिटोनियल बोलते हैं, कुछ को रेट्रो पेरिटोनियल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जब देखा जाए तो इंट्रा पेरिटोनियल कोई भी ऑर्गन नहीं है। जब हम पेरिटोनियम स्टडी करेंगे तब हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आपको कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एरिया है, अब ये जो लाइन मैंने बनाई है, एक्चुअल में ये लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है? एक्चुअल में ये बॉर्डर्स हैं स्टमक के। बॉर्डर्स कहाँ हैं? जिस पे ऊपर वाला जो आपका सरफेस है और जो नीचे वाला सरफेस है, ये दोनों आकर के मिलते हैं। नीचे वाला सरफेस और ऊपर वाला, इस साइड में यहाँ, इस साइड में यहाँ, और ये एक कर्व के रूप में होते हैं, हमने इनको कर्वेचर कहा है। तो पहले आप इसके सरफेस समझिए, तब आप इनके कर्वेचर समझ पाएंगे। सरफेस में क्या होता है, स्टमक का जो नॉर्मल पोजीशन है वो इस तरीके से होती है, टेढ़ी होती है, ट्रांसवर्स होती है। तो ट्रांसवर्स होने की वजह से इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन एक्चुअली एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं बनती है, इसकी पोजीशन बनती है इस तरीके से, तो एंटीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर। तो इसके जो सरफेस हैं वो सरफेस दो हो गए, किसके? एंट्रो सुपीरियर और पोस्टीरियो इंफीरियर। तो ये एंट्रो सुपीरियर और इसके पीछे साला पीछे वाला जो पोर्शन है वो पोस्टीरियो इंफीरियर। तो ये जो दोनों जब आकर के मिलेंगे, इधर की जो सरफेस है वो आकर के मिलेगा, इधर का सरफेस आके मिलेगा, इस साइड इधर का सरफेस आएगा और उधर की लेयर आएगी। सॉरी, तो ये जो सरफेस आ रहे हैं और मिल रहे हैं, यहाँ पे ये जो मिल रहे हैं, यहाँ पे ये है लेसर कर्वेचर, इस साइड जो मिल रहे हैं वो है ग्रेटर कर्वेचर। अब पेरिटोनियम का एक लेयर आती है वो इस साइड में यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाती है, दूसरी लेयर आती है वो दूसरी साइड में अटैच हो जाती है, और अटैच होने से ये दोनों लेयर जब इधर की तरफ आपको दिखती हैं तो ये एक तरीके का कहलाता है पेरिटोनियल फोल्ड। इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि लेयर, एक लेयर आई और फिर दूसरी लेयर उस साइड से वापस चली गई, तो ये एक तरीके का फोल्ड बन गया। ये पेरिटोनियल फोल्ड जब आप एब्डोमिनल ऑर्गन स्टडी करते हैं तो बहुत कॉमनली आपको यूज आता है, बुक्स में आपको मिलता है। तो ये जो फोल्ड हैं ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे लेसर सेक। ये पार्ट किसका होते हैं, ये पार्ट होते हैं लेसर सेक का। और इसी तरीके से जो इस साइड के फोल्ड हैं वो पार्ट होते हैं ग्रेटर सेक का। जब हम पेरिटोनियम स्टडी करेंगे तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। ये होते हैं पेरिटोनियल सेक का। एक ये जो पेरिटोनियल फोल्ड है ये लिगामेंट भी फॉर्मेशन करता है, एक तरीके का पेरिटोनियल लिगामेंट होता है। ये लिगामेंट कौन सा लिगामेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रो गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। ये गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट जिसके साथ क्या अटैच होता है, स्प्लीन। ये हो गया गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। तो इधर लेसर कर्वेचर की साइड लेसर सेक, ग्रेटर कर्वेचर की साइड ग्रेटर सेक, और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट जिसके साथ स्प्लीन अटैच होता है। देखिए ये जो इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को जब हम समझेंगे तो हम इसके फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की भी बात करेंगे, लेकिन आज हम सिंपली इसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। ये हमने आपको बता दिया, ये फंडस हो गया, बॉडी हो गई, ये ग्रेटर लेसर कर्वेचर हो गया, ये ग्रेटर कर्वेचर, लेसर सेक और ग्रेटर सेक। अब इसको जब आपको नॉर्मली जब आपको याद करना है तो आप इसको रूल ऑफ टू इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। रूल ऑफ टू का मतलब क्या है, इसकी कोई भी चीज का आप जिक्र करेंगे कि इसके सरफेस कितने होते हैं, दो होते हैं। पार्ट कितने होते हैं जी, दो होते हैं। इसके स्फिंक्टर कितने होते हैं जी, दो होते हैं। इसकी नोच कितनी होती है जी, दो होती हैं। इसके सरफेस कितने हो गए, दो हो गए। यानी हर चीज इसका रूल ऑफ टू अप्लाई होता है। तो ऑरिफिस कितने, दो, कार्डियक ऑरिफिस, पाइलोरिक ऑरिफिस। नोच कितनी, दो, कार्डियक नोच, पाइलोरिक नोच। पार्ट कितने, दो, फंडस और बॉडी। बॉडी के फिर दो पार्ट, एक इसका बॉडी रह गया, एक इसका पाइलोरिक पार्ट आ गया। ये भी कितने पार्ट के, दो, एंट्रम और कैनाल। उसके बाद में सरफेस कितने हुए, एंटीरियो पोस्टीरियर और एंटीरियो सुपीरियर और पोस्टीरियो इन्फीरियर। उसके बाद कर्वेचर कितने हुए, दो, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। यानी आप इसके ऊपर रूल ऑफ
अप्लाई करेंगे जब भी आप इसको स्टडी कर रहे हैं। इसकी जो ब्लड सप्लाई है और इसका जो वीनस ड्रेनेज है उसका हम स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।